हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज है day 3 ओवरलैंडिंग का, और बिफोर वी स्टार्ट day 1 को हम चेन्नई से कोटागिरी आए थे जो है नीलगिरीज में। यहाँ हमने स्टे किया था ब्लेस हिल बंगलो रिजॉर्ट में। उसके बाद day 2 को हम यहाँ से निकले थे कौनवा कराई, जो एपिसोड आप ऑलरेडी देख चुके हैं। और आज है day 3 और आज हम यहाँ से बढ़ रहे हैं आगे टूवर्ड्स हड्डा तराई। तो ये पूरा ट्रिप नीलगिरीज में ही रहेगा और मैं आपको दिखाता हूँ हड्डा तराई में आज हम कहाँ करने वाले कैंपिंग। ये है वो यू टर्न जहाँ हम करेंगे कैंपिंग। मैं आपको थोड़ा अर्थ फॉर्मेट में दिखाता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं छोटा सा मंदिर है, यहीं पे आज हम करेंगे अपनी कार पार्क और करेंगे आज की कैंपिंग। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं रास्ते पे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। 6:45 बज रहे हैं सुबह के, तो वहाँ से हो रहा है सनराइज़, तो जिसे अभी कैमरा मैंने लगा दिया कैप्चर करने के लिए। तो अभी आई एम जस्ट सेटिंग अप थिंग्स। तो अभी फटाफट ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं और आई जस्ट गेट रेडी एंड उसके बाद निकलते हैं आज की नेक्स्ट डेस्टिनेशन। टाइम हो रहा है सुबह के लगभग 7:15 बजे का, बिकॉज मैंने सब कुछ चार्ज पे लगाया, इवन वॉच भी। तो अभी आपने देख ही लिया टाइम लैप्स ऑफ सनराइज
एज वेल एज अभी मैं ब्रेकफास्ट कुक कर रहा था. तो टाइम नाउ कि मैं थोड़ी देर और चिल करूँगा यहाँ पे और उसके बाद आई स्टार्ट रैपिंग अप एंड सब कुछ गाड़ी के अंदर जाएगा. बिकॉज यहाँ पे आप मौसम देख ही रहे हो, बारिश का कोई भरोसा नहीं है. तो चलो तो यार टाइम टू लीव दिस प्लेस और वी आर ऑल सेट. सब पैक हो चुका है. एक बार मैं फिर से 360 देता हूँ. यार पीछे तो क्लाउड्स अपना गेम खेल ही रहे हैं, मतलब हर 5 मिनट 10 मिनट मतलब ट्रांजिशन चलता जाएगा. तो अब हम निकल रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे. तो चलो चलते हैं और मिलते हैं रास्ते पे. तो यार अभी हम वापस कोटेगिरी की तरफ बढ़ रहे हैं जो यहाँ से 6 किलोमीटर है और वहाँ से हम लगाएंगे नया GPS. और ये है नीलगिरीज ऊटी का जो मैं कवर करने वाला हूँ अपनी डेस्टिनेशंस. अभी हम है इस जगह पे कोनवा कराई और नेक्स्ट हम जा रहे हैं आज अपना डे 2 करने के लिए पनीर. उसके बाद हम अपना डे 3 के लिए बढ़ेंगे, फिर डे 4 एंड डे 5. और आई विल कीप यू पोस्टेड हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं. रेस्ट आप ये डॉट डॉट्स देख रहे हैं, यहाँ के बाद नीचे केरल शुरू हो जाता है. और मौसम तो आप देख ही रहे हो, बारिश शुरू हो चुकी है. बारिश वैसे मैं जब से आया हूँ पहले दिन से ही बारिश है, लेकिन आज सुबह से ही बारिश शुरू हो गई है. तो आई होप मौसम अमेजिंग रहेगा, ऐसे ही बना हुआ पूरे दिन. यार दोनों तरफ देखो कितना मस्त नज़ारा है और रोड तो बिल्कुल है ही नहीं. ये तो छोटी गाड़ी सामने आई तो और थोड़ा सा रोड पे एडिशनल पैच था तो वहाँ पे एडजस्ट हो गया. आपने कल की वीडियो में देख ही लिया है, जब बस आती है यहाँ पास करना ना फिर उसको वो बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है. रोड बहुत अच्छा है, रोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपने पूरा रास्ता देखा कल भी और अभी भी आप देख रहे हो, रोड बहुत अच्छा है और इतना सीनिक है ना कि आप थोड़ी थोड़ी देर में गाड़ी रोक करके आप इंजॉय करो और फिर आप चलते रहो. बट हाँ यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने बताया था एनिमल्स का. तो यहाँ पे लेपर्ड भी है, टाइगर इस तरफ नहीं है बट यहाँ पे लेपर्ड है और बाइसन है और बियर है, भालू है यहाँ पे. तो उनसे थोड़ा सा आपको सावधान रहना है अगर आप किसी भी जगह पर उतर रहे हो और इंजॉय कर रहे हो. तो बहुत शेडी जगह हो तो अवॉइड करो, जैसे ये है पीछे अभी ये थोड़ा सा घर सा था तो यहाँ कर सकते हो. अब ये है जैसे शेडी जगह, आप देखो ये शेडी जगह है. तो अगर आप यहाँ रुक रहे हो तो थोड़ा सा देख समझ के ही रुको, रुक सकते हो गाड़ी के अंदर से. बट अगर आप बाहर निकल रहे हो ना तो थोड़ा देख समझ के आपको निकलना है, ध्यान रखना पड़ेगा. रेस्ट ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा मूवमेंट है या कुछ है, नहीं ऐसा नहीं है. बट हाँ बिकॉज जंगल से कनेक्टेड है ये सारा और जहाँ मैंने अपनी कार भी कैंप पे लगाई थी आपने देखा कि ये पूरा 100 मीटर पे ही वहाँ से जंगल था. तो बस वही थोड़ा सा ध्यान रखना है और कुछ नहीं है. एंजॉय द सीन यार, कितना अमेजिंग व्यू है यार. ये सब रास्ते इतने अच्छे हैं यार, ऊपर से जैसे आप ऐसे शेडी से बाहर आते हो ओहो लेफ्ट में देखो यार पूरा ये क्लाउड है जो आपको सामने दिख रहा है और ये नीचे है, ये सब क्लाउड्स है नीचे नीचे. सो अमेजिंग. एंड ट्रस्ट ये बारिश ने ना मतलब सोने पे सुहागा कर दिया बिल्कुल. बहुत अमेजिंग है यार, क्या बयान नहीं कर सकता मैं. मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद वीडियो में आपको अच्छा लग रहा होगा बट कह नहीं सकते. लेकिन यहाँ पे रह के जो फील आ रहा है ना, यहाँ चल के जो फील आ रहा है ना, मैंने पैकअप करने के बाद भी मैं 1 घंटे तक वहीं बैठा रहा क्योंकि चलने का हिलने का मन ही नहीं कर रहा था. फिर मैंने कहा यार अगर कल की तरह मेरा दिन ज़्यादा निकल गया तो फिर नई जगह पे जाकर फिर जल्दी जल्दी में सब करो ये सब, तो आई डोंट वांट दैट. तो आराम से पूरा दिन रख के हाथ में चलना है, सारे काम करने हैं और रिलैक्स करना है उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके एंड एंजॉय करना है.
फिर से डिपार्टमेंटल में उसी में आए हम और हमने पैक करा लिया। कुछ बीन्स है, राइस है, सूप है, फ्राइड राइस मसाला है, बनाना है। ऑल सेट फॉर टुडे। ये मेरी नाक पे क्या लग गया, अब देखो ऐसे में लगता ही रहता है। ऑल सेट, तो अब निकल रहे हैं हम यहाँ से अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, विच इज अडातुराई। उससे थोड़ा और आगे जाना है पनीर, और फिर पूरा डेंस फॉरेस्ट है। वही मुझे अभी ये भैया बता रहे थे कि बहुत हाई लेवल डेंस फॉरेस्ट है। तो अभी अपन वहां निकल रहे हैं, गाड़ी में बैठ के मैं बताता हूँ कितना डिस्टेंस है, कितना टाइम लगेगा। नियर बाय ही है, बट अगेन यू नो यहाँ पे हर पहाड़ के पीछे कुछ नया है, तो लेट्स कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप मूविंग। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं रास्ते पे। तो यार क्विक टाइम चेक, टाइम हो रहा है अभी 1 बजे का, और अभी तक आज सुबह से मैंने बीच में थोड़ा कैप्चर नहीं किया है बिकॉज टू मच हो रहा था वीडियो के लिए। अभी मैंने कल रात को मेरा एयरबैग खराब हो गया था स्लीपिंग बेड का, तो मैंने लिया है कार के लिए मैट्रेस। उसके अलावा कल जो चैलेंज आ रहा था टार्क को सेटअप करने में, तो उसके लिए मैंने लिए हैं दो कर्टन रॉड्स, बेसिकली दो रॉड लिए हैं मैंने दो, राइट। तो अभी डेस्टिनेशन अपनी यहाँ से 20 मिनट दूर है, बस पास में ही है। अभी हम कंटिन्यू करेंगे इसको, और मुझे लगी थी बहुत जोर से भूख और मैं थक भी गया था, तो मैंने सोचा कि लेट्स हैव लंच, डिनर हम कुक करेंगे मस्त। तो मैं आपको फटाफट दिखाता हूँ मैंने ऑर्डर किया है साउथ इंडियन थाली। तो दो तरह की थाली होती है, एक वेज और एक नॉन वेज, पहले की भी कुछ वीडियोज में दिखा दिया है, बट ये है नॉन वेज थाली। तो मैं इसमें दिखाता हूँ क्या क्या दिया है, भाई फुल्ली लोडेड है। तो यार ये है थाली, राइस है, ये एक वेजिटेबल है, ये सब कुछ ना कुछ वेजिटेबल है, ये रसम है, और ये भी कोई ग्रेवी वेजिटेबल है, दही है, पापड़, और ये है चिकन 65 एंड दिस इज चिकन ग्रेवी। राइस देखो भाई कितना भर के देते हैं यहाँ पे। तो दिस इज थाली, ये अपन खाने जा रहे हैं। ये तो सॉल्ट है यार। और ये खड़ी है अपनी गाड़ी, और यहाँ से है बाहर का नज़ारा। चलो जल्दी से फिनिश करते हैं खाना और फिर मिलते हैं रास्ते पे। तो यहां से अब हम ये ऊटी कुनोर हाईवे छोड़ दिया, और हम अब हमने अब ये ले लिया कर्बन रोड। तो अब यहां से 2.5 किलोमीटर और दिखा रहा है। भाई ये तो एकदम तूफान की तरह आया था। तो भाई साहब अब देखो व्यू यहां से, अभी 400 मीटर और बचा है और अब देखो व्यू। ये देखो यार कितनी पास है ये क्लाउड, ये रहे नीचे। मैं आपको बैक कैमरा से दिखाता हूं। वाओ यार ये देखो तो आप, क्लाउड्स। बहुत ही अमेजिंग जगह है यार, बहुत ही अमेजिंग जगह है। और यहां से मैं आपको दिखाता हूं नीचे, ये सारा टी प्लांटेशन है। एंड सी द रोड्स, वाओ यार ये देखो क्लाउड। अरे यहाँ पे भी ये तो पूरा दिस इज क्लाउड होम। ये उड़ रहे हैं यार, पता नहीं कैमरे में ही उड़ते दिखाई दे रहे हैं कि नहीं अब। सुपर बाय सुपर। ये थोड़ा ऑफ रोड शुरू हो गया है, पता नहीं ये कितनी दूर है, चढ़ाई तो पूरी इसकी ऑफ रोड की है, आगे भी रोड नहीं है। यह लगता है जैसे किसी टाइम पे ये रोड रही होगी और टूट गई है अच्छे से। थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पे। यहाँ बस यही है कि मेरे ऑल टेरेन टायर्स तो है नहीं ब्रेजा में, तो थोड़ा सा संभाल के ज्यादा चलना पड़ता है मुझे। यहाँ जो पत्थर है ना ये प्रॉब्लम कर देते हैं।
गैलेक्सी वैली व्यू पॉइंट। वाओ, तो हमें यहां से लेना है अब ऊपर। ये रोड भी छूट गई। हार्डली 400 मीटर्स और बचा है। यहाँ पे रिजॉर्ट भी है, गैलेक्सी वैली, और एक रिजॉर्ट और आएगा अभी आगे, तो यहाँ पे स्टे करने का भी ऑप्शन है। आई होप कि नीचे ही जाना है ना। हाँ भाई साहब, बहुत बड़े पत्थर है भाई, ये बहुत बड़े पत्थर है राइट वाले टायर के लिए। हम करेंगे आज कैंपिंग। ओह, दिस इज द टेंपल, ये है मंदिर। बहुत स्पेस है यार यहाँ तो। वाओ, ब्यूटीफुल। चलो यार, गाड़ी बैक भी करनी है और फिर लगानी है यहाँ पे। तो ये हो गई है कार पार्क, ये है मंदिर, तो कुछ बचाव रहेगा अपना। बहुत देख के सुकून मिला है। और ये देखो यार, कितने बादल चल रहे हैं ये। वाओ, ये सारा टी प्लांटेशन है नीचे। लुक एट यार, कितना ट्रांजिशन हो रहा है यार, क्लाउड्स का कितना ट्रांजिशन हो रहा है। वाओ यार, लुक एट, मस्त चाय के बागानों के बीच, बादलों के बीच। और ये रोड जो है, ये आगे जाके इसका भी डेड एंड है, वहाँ एकदम ख़त्म हो जाती है रोड। अचानक सब बदल गया, कहते हैं मौसम बदल गया। मैं, ये मौसम, ये बादल, अपनी गाड़ी, अपना टेंट और अंदर बेड, और हम बेड को करेंगे इस साइड का फेस। तो अब समझ जाओ यार, यहाँ से लेटे लेटे गाड़ी से अंदर से क्या व्यू आने वाला है, आपको भी दिखाता हूँ। तो चलो सबसे पहले करते हैं सेटअप और फिर करेंगे रिलैक्स काम। तो आज टाइम कहाँ लग गया मुझे यहाँ तक आने में, क्योंकि ये रास्ता था 15 से 20 मिनट का जहाँ पे हम सुबह थे। तो ये लिया है फोल्डिंग मैट्रेस अपने लिए, बिकॉज ये हो, इसमें एक साइड पे पूरी हवा हो गई, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। तो इसको करेंगे पंक्चर और फिर लगाते हैं ये बेड। आज मैंने ये भी लिया है एंड ये मुझे हमेशा आगे भी काम आएगा। क्यों? क्योंकि बार बार वो बड़े 5 लीटर की बॉटल से पानी, मतलब काम करने में दिक्कत हो रही थी, तो ये काम आएगा। देखो यार, ये हो गया फुल सेटअप, बेड है, बैग, वो अपना टेबल है, उस पर मैंने अपना एक लैपटॉप बैग रखा है क्योंकि आज तो ऑफिस है नहीं। तो वहाँ आगे वो सब खाने पीने का सामान है, लेटे लेटे खाओ, और यहाँ आराम से लेटेंगे। टॉप सेटअप हो गया है और यहाँ से लेट के व्यू देखो यार,
एकदम बादलों में। वॉच आउट, हवा जोर से चल गई है। और ये आज हमने पानी भर लिया, ऊपर रख दिया पत्थर, ताकि अगर हवा तेज भी आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। All set for cooking. तो हम बना रहे हैं आज तहरी। तो सारी वेजिटेबल्स हमने कट कर लिए, अनियन, टमाटो, पोटैटो एंड बीन्स, और चावल हमने धो लिए। सब कुछ बहुत बेयर मिनिमम में चल रहा है, बिकॉज पानी यहाँ पे नहीं है। तो बस जो पानी है अपने पास 5-6 लीटर का, बस उसी से काम चलाना है। इस डिश को जनरली सरसों के तेल में ही बनाया जाता है, मस्टर्ड ऑयल में। वैसे तो आप इसको किसी में बना सकते हो, घी में ही बना सकते हो, रिफाइंड में ही बना सकते हो, बट जनरली इसको इसी में बनाया जाता है। आज हवा बहुत तेज चल रही है, आप पीछे देख रहे हो यार, क्लाउड्स का ट्रांजिशन देखो। ये रस्सियां अंदर है मेरे पास, इनका होल्ड, इनकी कमांड मेरे पास है इन रस्सियों की, ताकि अगर मैं अंदर बैठा हूँ और ये खुला है, बिकॉज ये वाइल्ड लाइफ एरिया है नियर बाय का, तो अगर कुछ आता है तो मैं इसे पुल करूंगा तो ये बंद हो जाएगा प्रॉपर। सो दैट्स फॉर द सेफ्टी पर्पस, कि पानी की कमी है। फिर मैंने इसके ऊपर इसे रखा हुआ है, पत्थर रख के, तो मेरे पास और कुछ नहीं है। तो मैंने अभी अनियन नहीं काटा था, अनियन अपन लाइव काट के डालेंगे। अंधेरा होने से पहले आई हैव टू गेट एवरीथिंग क्लीन एंड हैव टू बी इनसाइड, क्योंकि पहली बात तो है कि खाने की खुशबू से ही जाती है, तो वो उससे भी अट्रैक्ट होता है एनिमल। दूसरा, रात के वक्त अपन यहाँ पे बाहर नहीं रहेंगे, और डस्टबिन हम लेके आए हुए हैं, तो हम कुछ भी जो है यहाँ पे गिरा नहीं रहे। तो मैं चला गया था कैमरा को थोड़ा सेट करने के लिए, बिकॉज आई नो मेरी गर्दन नहीं आ रही है। आज तहरी बनाएंगे, मस्त खाएंगे। दिन में वैसे भी हमने साउथ इंडियन मील खा लिया था, सो आई नो आई एम कम्प्लीटली ऑन राइस लंच एंड डिनर में। सॉल्ट इसमें, तो सॉल्ट अपन उसे ये है मिक्स मसाला, इसमें हल्दी, धनिया, गरम मसाला, जीरा, काले मिर्च, मतलब एवरीथिंग, हेल लॉट ऑफ थिंग, सब कुछ है इसमें। क्योंकि मसाला तो पानी में पकेगा, इसमें साथ के साथ हम डालेंगे राइस। ज्यादा थोड़ा पानी डाल देंगे, सारा का सारा ना एक साथ फाइनल होके निकल आएगा, तो है ना एकदम क्विक और हेल्दी भी। भाई नजर रखनी पड़ती है चारों तरफ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि नजर नहीं रखोगे आप सोचोगे मैं ब्रेव हूं, मैं ब्रेवली सब कर लूं, नहीं, इट ऐसे नहीं होता है। आपको एंजॉय भी करना है, नजर भी रखना है, अपना ध्यान भी रखना है। आई कैन गिव हिम अ कवर। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यूटिलाइज कर रहे हैं उसकी हीट को। तो इस पैन में मैंने रखा है पानी, तो जब तक चावल बनेगा तो कुछ भी तो गुनगुना हो जाएगा, तो विल सेव एनर्जी, विल सेव सम टाइम। और ये है सूप, थोड़ा सूप पी लेंगे, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी वापस। तो यार ये है अपना सूप रेडी, और ये हो गई है तहरी रेडी। बर्तन सारे धुल गए हैं, और नज़ारा कुछ ऐसा है, पूरा क्लाउड्स से भर गया है। I'm enjoying my soup, बादलों में क्या व्यू है। जल्दी अंधेरा होने वाला है, बस मे बी 15-20 मिनट में हो जाएगा, और फिर हम बंद कर देंगे यहाँ से।
टाइम हो चुका है रात के 9 बजे का और खाना मैं खा चुका हूँ। आंखें आप देख रहे हो बिल्कुल चढ़ चुकी हैं नींद के लिए। अपना सेटअप फुल रेडी है सोने के लिए और कल भी हम जल्दी शुरुआत करेंगे और टू अ डिफरेंट लोकेशन जो आप देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दो यार। एंड इम्पॉर्टेंटली देखो यार, ये मैं ब्रेजा में ओवरलैंडिंग कर रहा हूँ एंड ब्रेजा ऐसा एक व्हीकल है जिसमें आप बहुत ईजिली नहीं कर सकते हो ओवरलैंडिंग। तो आई होप दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट इन इंडिया। अगर सेकेंड है तो भी ठीक है, बट डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कॉमेंट ज़रूर करना, बहुत मेहनत लग रही है इसके अंदर। सो मिलते हैं फिर एक नई सुबह को और नए एपिसोड में। सो सी यू, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।